हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी इधर मस्त हूँ। गाइस काफ़ी दिन हो रहा था कोई ब्लॉग्स नहीं आ रहा था, तो इसे भी मूड नहीं हो रहा था ब्लॉग्स बनाने के लिए। तो गाइस फिलहाल मैं टाउन से गांव में आ चुका हूँ। अभी मैं आपको गाँव का कुछ ब्लॉग्स दिखाने वाला हूँ। और एक्चुअली आज कुछ काम था, हम अभी नदी में नहाने जा रहे हैं दोस्तों के साथ, और एक जैक फ्रूट लेके जा रही है नदी के किनारे खाएंगे। और काफ़ी मस्त भी लग रहा है क्योंकि बहुत दिन के बाद नदी में नहाने जा रहा हूँ। बचपन में रोज़ मैंने जाता था नहाने के लिए, आपको भी दिखाऊंगा और नदी में किस तरह हम नहाते थे वो आप लोग हमारा वीडियो साथ अंत तक जुड़ी रहेगा। तो गाइस चलते हैं। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. तो गाइस फाइनली नदी के तट पर पहुंच चुका हूं, और यही है वो वाला नदी जहां पर मैं बचपन में नहाने आता था। लेकिन फिलहाल अभी वहां जो सीनरी था ना पहले का, अभी बहुत ही अंतर लग रहा है, वो चेंज सारा हो गया है। तो आपको दिखाऊंगा, देखिए कैसा हो गया है। नहीं तो पहले कितना सुंदर था यहाँ नदी, बहुत ही डीप था। लेकिन फिलहाल अभी पानी भी इतना नहीं है और थोड़ा गंदा जैसा हो गया है, क्योंकि कल रात बारिश हुआ था। इससे यह भी एक रीज़न था, और आजकल ऐसे भी क्लाइमेट की वजह से पानी ठीक ठाक से इधर रहता नहीं है। काफ़ी मस्त से नहाते थे इधर हम लोग जो बचपन में, देखिए दोस्तों। और हम एक जैकफ्रूट लाए हैं खाने के लिए। तो ऐसे यही है जैकफ्रूट, जिससे का हमारे लैंग्वेज में लालियापनस कहते हैं, मतलब आदिवासी लैंग्वेज में। और मेरा भैया कह रहा है अभी, और छोटे छोटे बच्चा नहा रही हैं। और इससे आप लोग को लैंग्वेज में क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लेकिन हमारे लैंग्वेज में इसे तो लालियापनस कहते हैं। बहुत दिन के बाद कह रहा हूँ इससे। भाई देखिए काफ़ी टेस्टी है भाई। तो गाइस मैं जैकफ्रूट खा चुका हूँ और काफ़ी मस्त लगा। अभी नहा के जाऊँगा, काफ़ी गर्मी लग रहा है तो अभी नहाने वाला हूँ। तो गाइस हम इस नदी में कितना सुंदर नहाते थे जब हम बचपन में, लेकिन आज कितना गंदा हो चुका है गाइस। देखिए हमारा पैर घिर के कितना ये हो गया है, आज नहाने के लिए इतना मन नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या देर के बाद आया हमको नहाना तो पड़ेगा भाई। क्या ऐसे ही भाई कितना मस्ती करते यहाँ पर, तैरते थे मतलब स्विमिंग करते थे इधर, लेकिन अभी तो स्विमिंग करने के लिए भी मौका नहीं मिल रहा है ऐसा। कितना गंदा पानी हो गया है देखिए, तो गाइस फाइनली मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ। तो काफ़ी मस्त लगा, इतना दिन के बाद नहाया है नदी में, लेकिन क्या करें इतना गंदा हो चुका है, फिर भी नहाना पड़ा। और बच्चे नहा रही हैं, और देखिए उस साइड में भी छोटे छोटे बच्चे नहा रही हैं अपन नदी में। फिलहाल यह कितना सुंदर जगह था, ये यहाँ पर कितना पानी, वहाँ ऊपर तक पानी रहता था, लेकिन अभी पानी का लेवल नीचे तक चले गया है और इतना गंदा हो चुका है। जो पेड़ इधर गिर के ही ये नदी ख़राब कर चुका है, क्या करें भाई। तो काफ़ी
बचपन की याद भी आ रही है सब देख के कि उसी उन लोग जो जो छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पर नहाते थे। तो गाइस अभी मैं घर पे लौट रहा हूँ। One hour before. तो गाइस यही थी आज का मेरा व्लॉग, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight.